ये क्या कपड़ा अपना गंदा है, चोट लगा हुआ है तुमको, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो बहुत अंधेरा था तो साइकिल गड्ढे में चला गया और हम गिर गए। हम बोलते बोलते थक गए, क्या जरूरत है इतना दूर काम करने जाने की? पापा हम बहुत थक गए और भूख भी बहुत लगा है, पहले खा लेते हैं। पूजा कहाँ है? अब कमरे में है, अब देखो बुखार नहीं उतरा है और सुबह से कुछ खाई भी नहीं है। ये क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं है, साइकिल से गिर गए। तुमने दवाई नहीं ली होगी ना? हम दोनों का खाना यही लेके आते हैं। डर एक ऐसी भावना है जो अगर किसी इंसान के अंदर घर कर जाए तो वो धीरे धीरे उस इंसान को कमजोर करने लगता है, और शायद यही कारण है कि हमारे देश की काफी महिलाएं, चाहे वो शहर से हो या गांव से, सिर्फ एक ही रास्ता चुनने को मजबूर होती हैं, चुप्पी। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या लाखों में है और हर साल ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। NFHS के 2018 के सर्वे के मुताबिक 99.1% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते, यानी कि जो आंकड़ा हमारे सामने है वो 0.9% का है, बाकी के केसेस कहीं चुप्पी में खो जाते हैं। लेकिन ये चुप्पी क्यों? अगर चुप रहकर ही हालात ठीक हो सकते तो फिर हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय कम क्यों नहीं हो जाते? आरिफ से कितनी बार कहा चार्जर कमरे में ना ले जाए? आजकल बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल की ऐसी लत लगी है कि घर में अगर चोरी हो जाए तो इन्हें पता तक ना चले। क्या है यार, क्या ये? अबू आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। क्या किया तूने? कौन है ये लड़की? कॉलेज जाने का मन नहीं है मतलब? अरे हम कह दे कि हमारा खेती बाड़ी में मन नहीं लगता है और रश्मि का उसके उसके काम में नहीं मन लगता है तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी रह रही इसलिए ब्याह नहीं करना चाहती और तुम हो तो हमने कब कहा कि काम कीजिए और हमको पढ़ाइए? नहीं जाना कॉलेज मतलब नहीं जाना। पूजा ही कैसे बात कर रही हो तुम पापा से? छोड़ो इसको, हमारा पढ़ा किसको है, जवानी से बुढ़ापा तक आ गए, सोचे कि पढ़ा लिखा के कुछ बना दे और चार अक्षर पढ़ गई तो हम ही को बेवकूफ समझ रही हो तुम लोग। क्या हो गया पूजा? पूजा पापा को बस तुम्हारी चिंता, तुम्हारी शादी की भी चिंता है उनको और हमें भी यही सही लगता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। कर लो शंभू से शादी और जाओ यहाँ से। सर लड़कों के मोबाइल से ऐसे वीडियो का मिलना आम बात हो गया, पॉर्न वीडियोस और ब्लू फिल्मों ने जनरेशन को खराब कर रखा है। ये ब्लू फिल्म जैसा शूट नहीं हुआ है सर। ऐसा ही होता है आजकल, नकली को असली जैसा दिखाते हैं। लेकिन नकली है या असली है ये कुछ पता नहीं चल रहा है सर, ना ही लड़की का चेहरा ठीक से दिख रहा है और ना ही लड़के का। हसन तुम्हारे बेटे के पास ये वीडियो कहाँ से आया? सर मेरे नालायक बेटे के दोस्त रजत ने उसे फॉरवर्ड किया था। कौन है वीडियो में, तुम्हारे किसी दोस्त ने किया है ना या तुम खुद हो? नहीं नहीं अंकल, मेरा यकीन कीजिए मैंने किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वीडियो तो मैंने खरीदा था पर मुझे तो पता भी नहीं इसमें कौन है। ये वीडियो तुम्हारे पास आया कहाँ से? बाबू
बाबू डीवीडी। मस्त वीडियो डाला, एकदम पलंग तोड़ कांड है। जाओ कोना पकड़ो और मजे लो। बाबू भाई इसको कौन सा वीडियो दिए? बेटा वो तुम्हारा मतलब की चीज नहीं है, ये तुम्हारी नई नई जवानी आ रही है ना? वो वीडियो तुम जैसे बच्चों को देखने के लायक नहीं है। थोड़ा सा नहीं हो जा रहा है। अब तो हमको वही वीडियो चाहिए, येलो पेन ड्राइव और डालो इसमें। ठीक है तुम कर लो। ठीक है लाओ निकालो 50 रुपए। 50 रुपए एक वीडियो का? 50 रुपए लूट रहे हो का भाई? अब तुम लोग जो सस्ता नशा करते हो तुम लोग का यही प्रॉब्लम है। ये पकड़ो और जाके इंटरनेट में ना सस्ता वाला माल देखो। लो तब तो जाओ। मेरे शॉप पे ना जाओ, रात भर में तुम्हारे जैसे 10 चोमू पैदा कर देंगे। बाप को सीधा बेटा आ गई मर्दानगी। सर 50-50 रुपए में बेचा गया उस लड़की का रेप वीडियो, पूरे इलाके में वायरल हो गया। सर ये एक बिजनेस बन गया है और ज्यादातर केसेस में लड़कियों की मंजूरी से ये सब कुछ होता है, इसलिए उनको आमदनी भी होती है। इलीगल बहुत बड़ा नेक्सस है पॉन मार्केट का। मार्केट में लोगों को रियल बोलकर बेचते हैं, वरना क्लाइंट कहाँ मिलेंगे? और अगर इंटरनेट पर ही लोग ब्लू फिल्में देखने लगे तो फिर खरीदेगा कौन? आई थिंक ये फेक है सर। लेकिन मुझे ये वीडियो फेक नहीं लग रहा। जिस तरह से लड़की तड़प रही है, तकलीफ में है, क्राइम तो हुआ है देवेश, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर मुझे अब भी लग रहा है कि एक्टिंग और शूटिंग है। अगर हम ये मान भी लेते कि रेप हुआ है तो इस केस को क्रैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ना ही हमारे पास कोई शिकायत दर्ज हुई है और ना ही वीडियो में कोई पीड़िता या मुजरिम का चेहरा दिखाई दे रहा है। रेप कहाँ हुआ है, कब हुआ है भी या नहीं, इसका भी अंदाजा नहीं है हमें। टोटल ब्लाइंड केस है सर। इस वीडियो से इतना तो समझ में आ रहा है कि लड़की शायद माइनर है। अगर ये वीडियो लड़की की मर्जी से ही बना है तो भी ये इलीगल है, क्रिमिनल केस तो बनता है। और अगर ये वीडियो फेक नहीं है तो हो सकता है रेप के बाद लड़की को मार दिया गया हो, जैसा अक्सर ऐसे केसेस में होता है। देखिए ससुर जी, 26 का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी? अरे इसमें जल्दी का है, 3 साल तो हो गया है और अब हमारा ब्याह होगा, तभी तो जाकर फिर पूजा के लड़का ढूंढेंगे। और वैसे आपको बता रहे हैं इसके ब्याह में ना परेशानी तो होगी, क्या है रंग सांवला है इसका, इतनी जल्दी कोई लड़का मिलने वाला नहीं है, बता रहे हैं आपसे हम। अब आप सब तय कर लिए तो अच्छा ही है, सब हम तैयार। कुछ हाथ लगा? नहीं सर, इस वीडियो से कुछ खास मिल नहीं रहा है सर, बस ये एक खेत जैसा इलाका नजर आ रहा था। सिर्फ इससे एक लीड से हम रेपिस्ट या विक्टिम तक कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं देवेश, पहले इस बाबू डीवीडी को तोड़ते हैं जिसने ये वीडियो सर्कुलेट किया। मस्त और बाबू कोई नया माल आया क्या? कौन सा माल? ₹50 निकाल दो। 50 चल साथ में देखते हैं। चल अरे सर बाबू डीवीडी तो भाग निकला पर हमारे हाथ बहुत सारे पॉन डीवीडीज मिले, एक पेन ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव भी मिला। पेन ड्राइव तो फॉर्मेटेड है और हार्ड ड्राइव की स्कैनिंग चल रही है। पेन ड्राइव टेक्निकल टीम को भेज के डेटा रिकवर करवाओ और जिपनेट पर पिछले 1 महीने की सभी कंप्लेंट्स को रीलुक करो। 16 से 25 साल के बीच की कितनी लड़कियों की रेप की कंप्लेंट, कितनों की मिसिंग कंप्लेंट और कितनों की रेप के बाद मर्डर की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, हो सकता है इस केस की भी कंप्लेंट की गई हो। सर मुझे तो लग रहा है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आखिर हमें ये पता ही नहीं
कि क्राइम अलीगढ़ के आसपास हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है, कहीं और। सर, सर मैंने इस वीडियो को जब गौर से देखा है, मेरी समझ ये आया है सर कि जहाँ पे इस लड़की का रेप हुआ है शायद वो खेत धान का है। सर किसानों का देश है, लाखों तो खेत है यहाँ पर। इस बाबू डीवीडी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन सर हम बिना ऑफिशियल कंप्लेंट के कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक काम करते हैं, स्लो मोटर लेकर इस केस में 0 FIR दर्ज करते हैं। सर वीडियो मेरे बेटे के मोबाइल से मिला था, मैं कंप्लेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज ही SP साहब से बात करता हूँ। प्यार से नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ऐसे कैसे हमारी जमीन छीन लोगे? और हमारे पापा से तमीज से बात करो, तुम्हारे पापा सरपंच है, तुम नहीं। और अगर होते भी तो ये बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं, बात कर, तुम आओ यहाँ, तुम आओ और तुम आओ यहाँ। सरपंच जी देखिए, आपको तो मालूम है कुछ दिनों में रश्मि का ब्याह होने वाला है शंभू के साथ, और इसके ब्याह के बाद तो हमारे कमाई का जरिया सिर्फ खेती है। अगर वो आपको दे देंगे और इतना कम दाम पर, तो सोचिए हम हमारी छोटी बेटी पूजा के साथ कैसे गुजारा होगा, बताइए। गुजारा कैसे चलेगा, मतलब कैसे चलेगा, ये तुम्हारा दिक्कत है, तुम देखो। और कम दाम, कम दाम क्या है, इज्जत दे रहे तो हजम नहीं रहा तुमको। मिंटू बाबू आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? देखिए हम आपके बाप की उम्र के हैं, आप तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाएगा तुम हमको? तमीज की बात करेगा हमसे तुम? अपने हाथ में रहो। हाथ कैसे लगाया तुमको? छोड़, काट के फेंक देगा तुमको, सिखाते तुमको तुम्हारी औकात हम। दोबारा नहीं होनी चाहिए, अपने तेवर में थोड़ी नरमी लाओ, इज्जत पाना चाहते हो तो इज्जत देना सीख। अंदर जा, अंदर जा। काका मोंटी की हरकत के लिए माफी मांगते हैं, हम वाकई में बहुत शर्मिंदा हैं। और रही बात जमीन की, तो सौदा बुरा नहीं है, घर जाकर सोचकर बताओ। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रैकेट है जिसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। सर इसकी जैसी और कई लड़कियां हैं जो इसका शिकार हुई हैं, कई वीडियोस हैं इंटरनेट पर। मगर मैक्सिमम वीडियोस में लड़की और अक्यूज का चेहरा तो दिखता है, जिसे ढूंढना आसान होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, देखकर साफ पता चलता है कि लड़की को शायद पता ही नहीं कि उसका वीडियो बन रहा है। लेकिन सर जिस आदमी ने वीडियो शूट किया है उसने कंप्लेंट करने की बजाय इस वीडियो को वायरल किया। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है इंटरनेट पे कुछ गलत काम करेंगे कुछ होगा तो नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2018 में 780 ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जिनमें लड़कियों का रेप करने के बाद उनके अश्लील वीडियोस बनाकर पॉर्न साइट्स और इंटरनेट पे वायरल किए गए। ठीक है माथुर, एक कोशिश करके देखो क्या निकलता है। हसन से कहो केस फाइल करें एंड क्रैक द केस। 780 केसेस, और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, और न जाने कितने केसेस होंगे जो शर्म और डर के नाम पर दर्ज ही नहीं हुए होंगे। इस केस की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर 0 FIR दर्ज की। 0 FIR के प्रावधान के तहत किसी भी जुर्म की शिकायत, खासकर महिलाओं के खिलाफ हुए जुर्म की शिकायत, किसी भी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है, ताकि जांच में किसी भी तरह की देरी ना हो। क्या पुलिस की इस पहल से ये बेहद ही पेचीदा केस सॉल्व होगा? कल शंभू के पिताजी से बात हुई थी, बहुत बड़ा मकान बना रहे हैं तुम्हारे और शंभू के लिए, बोल रहे थे कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे तुम दोनों का। पापा हमें शंभू से शादी नहीं करनी है, शंभू सिर्फ 10वीं पढ़ा है और हम BA किए हैं, हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है, बातों में भी समझदार नहीं है वो। हमें किसी ऐसे लड़के से शादी करनी है जिससे हमारी सोच मिलती जुलती हो, जो हमें शादी के बाद भी काम करने दे और पूजा की पढ़ाई का भी ध्यान रखने दे। और ये गांव वाले जो ताना मारते हैं उनको क्या कहेंगे? 10 दिन बचा है शादी का, माना कि शंभू 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन खेती बाड़ी कितना है उसका, और हम कुछ सोच समझ के तय किए हैं ना। देखो शादी का निमंत्रण जा चुका है, अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हारे साथ साथ पूजा की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। सब अपने हिसाब से कर लो। अबे तुम देखो तो सही, देखो इसको यहाँ पे रखो, इसके इसके एकदम ऐसा सीधा रखना चाहिए। देखो ये ऐसा आ रहा है, ऐसा सीधा आएगा, सीधा आएगा। एक मिनट रुक जाओ जी। बोलिए, तुमने सुखी दाला से पैसे छीने पीटान को? अरे पीटे वीटे नहीं पापा, कांड खींचे मारे सन करके। अब तुम्हारी इज्जत तो है नहीं इस गांव में, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे थोड़ा गुंडा ही करना पड़ता है, वरना सरपंच ही कर नहीं पाएंगे आप। जब अच्छा ही हो जाती है बुराई है। देखो भाई
जी बोलिए। बाबूजी तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए तुम्हें डांटते हैं। और अगर तुम्हें बाबूजी की तरह सरपंच बनना है तो दिमाग से ठंडे रहा करो। तुम बात बात में हाथ उठा लेते हो। आज ये सुखी लाला से भिड़े हो, उस दिन वो का नाम है उसका, रश्मि तो लज गए थे। तुम रश्मि का नाम मत लो, उसको हम उसकी औकात दिखा चुके हैं। क्या बोले? जवाब दो हमें। खत्म करो यार इसको, खत्म करो। क्या किया तुम रश्मि के साथ में? हमारी उम्र में विराट कोहली अंडर 19 वर्ल्ड कप लेकर आया था, और तुम मोबाइल में लड़कियों के साथ हुए हादसों को मनोरंजन के लिए देखते हो। ये परवरिश तो नहीं की थी तुम्हारी? जिस तरह तुम लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हो, एक दिन उस लड़की के पास ही पहुंचेगा, और उसने ये वीडियो देखा और शर्मिंदगी से अगर उसने खुदकुशी कर ली तो तुम समझ रहे हो कि तुम किस तरह इसमें जिम्मेदार हो? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, बचा लूंगा मैं, बाप हूं तुम्हारा। अभी भी वक्त है, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो मुझे सच बता दो। मैसेज करते हैं थोड़ी देर में, पैसों गिन लीजिए तब तक, ठीक है? चलिए रखते हैं। पूजा रानी, बोलो पूजा रानी। भूषण, तुमने पता लगाया? हाँ पता लगाया। अब तुम्हारा ख्याल सही था, तुम्हारी बहन रश्मि पे हमला हुआ था, ए वो मुंटिया ने किया था। ए रश्मि, पूजा क्या बोल रही है? मुंटी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं? नहीं नहीं पापा, कुछ गलत नहीं किए, बस धमकाया मोंटी हमें। तो हमको बताई काहे नहीं? पापा आप घबरा जाते और पूजा भी डर जाती, इसलिए। तो इसमें गलत क्या होता? पापा क्या हमें टाइम रहते सरपंच काका से बात करनी चाहिए इस बारे में? ना बिल्कुल ना, अगर गांव वालों को पता चल जाएगा ना तो बदनामी की वजह से मोंटी कहीं कुछ और ना कर दे। तुम चुपचाप अपना ब्याह करो और गृहस्थी बसाओ, और तुम्हारा भी पढ़ाई लिखाई बंद, एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं और तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर देते हैं। पापा हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, एकदम चुप रहेंगे, आप पूजा की पढ़ाई काहे रुकवा रहे हैं? अरे हमको कुछ नहीं सुनना है। गांव वाला सब सही कहता है कि लड़की सबका शादी ब्याह सही टाइम पे कर देना चाहिए। और सुनो, आज से तुम लोग भी बाहर आना जाना कम करो। सर एक और वीडियो मिला है, रेप का ही है। इस रेप वीडियो में विक्रम का चेहरा साफ दिखाई दिया। प्लीज छोड़ो मुझे। सर लड़की का पहनावा शहरी है, शायद ये केस किसी शहर का है। अपने खबरियों से कहो इस लड़की का पता लगाएं, उन्हें कहो शुरुआत अपने जिले से करें, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ाएंगे। जी सर। सर ये देखिए, उठा के लाओ उस दुकान वाले को। क्या किया तुम बताइए? बोल भाई, जिस कमरे में रेप हुआ तेरी दुकान का कैलेंडर कैसे पहुंचा वहां? दुकान में आने वाले हर इंसान मेरा कैलेंडर लेके जाते थे, मुझे कैसे पता हो सकता है कि मेरा कैलेंडर कहां कहां पहुंचता है? इस लड़की को भी देखा है? साहब ये लड़की तो सब ये कौन है? ये लड़की जानता है इसे? साहब ये लड़की चांदनी है, ये खुर्जा में रहती है, वहाँ पे कोठा है, वहाँ पे बैठती है। चौधरी जी जरा धीरे, पिछली बार के पीठ के जख्म अभी ताजा हैं। उम्र दिखे सर जो दर्द में थे। सर इस चांदी का नंबर बंद आ रहा है। हसन तुम खुर्जा के लिए निकलो,
मुझे इस चांदनी से बात करनी है। यस सर। चांदनी? हाँ बोलो ना साहब। मैं अलीगढ़ क्राइम ब्रांच से हूँ। तुम हो? हूँ तो मैं ही साहब, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? एक्टिंग है साहब, फिल्मों वाला रेप सीन, पैसा मिलता है इन सब का। किसके कहने पर रिकॉर्ड किया है वीडियो? बाबू डीवीडी? कौन बाबू डीवीडी? ये वीडियो तो रंगीला ने बनवाया और बोल रहा था अंग्रेजी फिल्मों से भी ज्यादा चलता है ये सब। ये रंगीला कौन है? भगवान के लिए मुझे। कट 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 कट। हाँ सर। बीबी कितना फिल्मी डायलॉग बोलती हो तुम, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ये सब सब हटा दो, समझ रही हो ना? एकदम रियल लगना चाहिए। कुछ मंगाओ चाय पानी? नहीं नहीं। कर लोगी ना? शाबाश। इधर आ गुंडे। मेकअप? पहली बार एक्टिंग कर रहा है क्या? हैं? मिरर? यहाँ हंस क्या रहा है, मजाक चल रहा है? तुम मर्द है समझ रहा? अच्छे से करना। अरे यार पुलिस की एंट्री नहीं थी, तुम लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हो क्या? बहुत स्क्रिप्ट बना ली बेटा रंगीला, अब हम तेरी स्क्रिप्ट बनाते हैं। मैंने क्या किया है मैंने? सब पता नहीं चांदनी ने आपको क्या बताया, मैं बहुत इज्जतदार डायरेक्टर हूँ। साहब मेरी फिल्म का बजट थोड़ा छोटा होता है लेकिन फिल्में बहुत बड़ी होती हैं। तेरी फिल्म तो हम बनाएंगे बेटा, बहुत शौक है ना तुझे रेप वीडियो बनाने का। नहीं साहब वो असली वाला नहीं है, वो नकली है, वो शूट किया है। आप चांदनी से पूछ लो, मैंने छुआ भी नहीं उसको। आप उसी से पूछ लीजिएगा, उसमें चीखना चिल्लाना सिर्फ डाल दिया था जिससे वो असली लगे, बाकी नकली है। ये वीडियो ये मेरा डायरेक्शन नहीं है साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ शूट हुआ है। लेकिन हाँ साहब मैंने ये वीडियो देखा है, मुझे बाबू डीवीडी ने दिखाया था साहब। रंगला भाई ये चल रहा है मार्केट में, कुछ और मसाला डालो, एक वीडियो बनाकर देखो 10 गुना ज्यादा कमाओगे। मेरा कहना है कि ये भी नकली रेप वीडियो है और ये लड़की भी धंधा करती है। लगता तो यही है साहब, बाबू दूसरों को रेप वीडियो बोल बोल के डबल ट्रिपल दाम ले रहा है, लेकिन है ये नकली, शूट अच्छे से किया गया। माथुर ये रेप वीडियो वाला केस क्लोज कर दो, बचाई क्या इस केस में? दो में से एक वीडियो फेक निकला, जब रेप हुआ ही नहीं तो कैसा रेप केस? जिस तरह से लड़की को घसीटा जा रहा था, वो रो रही थी, बहुत क्रूअल था सर, वो फेक नहीं हो सकता। और सर उस वीडियो की वजह से ही तो ये केस ओपन हुआ है। सर ट्रस्ट मी हम स्लो हैं लेकिन रास्ता सही है। माथुर 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, कुछ ठोस लेकर के आओ वरना ये केस साइबर सेल को सौंप दिया जाएगा। चांदनी के बयान से ये साबित हो गया था कि दूसरा रेप वीडियो एक फेक वीडियो था जो कि एक बी ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर रंगीला ने बाबू डीवीडी के कहने पर बनाया था। क्या इस वीडियो की तरह पहला वीडियो भी फेक था? और इस दिशाहीन केस में रश्मि पूजा और भूषण का क्या किरदार था? केस एक सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। क्या पुलिस बिना किसी लीड के इस वीडियो के किरदारों तक पहुंच पाएगी? वक्त बहुत कम है और प्रेशर ज्यादा, अभी तक कोई लीड नहीं मिला है सर, केस क्लोज करना पड़ सकता है। नहीं करना पड़ेगा सर, टेक्निकल टीम ने पेन ड्राइव का डेटा रिकवर करके भेजा है, उसमें पुराना वाला रेप वीडियो भी है। तो हमारे पास पहले जो वीडियो था वो 30 सेकंड का था और अब जो वीडियो हमारे पास है सर वो 3.5 मिनट का। मगज सर बिहार में भेजे को मगज कहते हैं, एक्यूज बिहार से लग रहा है। सर पीछे जो आवाज आ रही है उससे लगता है कि आरती हो रही है। राइट, खेत के आसपास शायद कोई मंदिर होगा। सर ये देखिए पीछे खेत में एक ट्रैक्टर है सर जिसका कंपनी लोगो है एम गेट। ये कंपनी अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों के साथ ट्रैक्टर भेजती है, कलर और लोगों से मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और किस एरिया के लिए मैन्युफैक्चर हुआ था उसका पता कर सकते हैं। हसन तुम अपने खबरियों को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो एक खेत ढूंढना है जिसके आसपास मंदिर हो। देवेश सर तुम ये ट्रैक्टर ढूंढो, कंपनी को रिक्वेस्ट भेजो, देखो क्या जवाब मिलता है। अगर ये ट्रैक्टर और खेत हमें मिल जाए तो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा मिल जाएगा। ट्रैक्टर कंपनी की लिस्ट आ गई है सर,
सर इस सीरीज के ट्रैक्टर बिहार के सिवान और भागलपुर के लिए सर 2017 में मैन्युफैक्चर हुए थे सर। सिवान और भागलपुर के लिए इस सीरीज के 147 ट्रैक्टर बेचे गए सर। चाहो तो और ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करो, लेकिन मुझे उस ट्रैक्टर मालिक की डिटेल चाहिए कल तक। सर अभी तक तो लग रहा था कि केस बिहार से, पर शायद ये केस ही बिहार में हुआ, हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर। अगर ये केस बिहार का है तो हम कैसे कार्रवाई कर पाएंगे? जितनी जल्दी शादी करके यहाँ से निकल जाओगे उतना अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? अभी तो मोंटी ने सिर्फ धमकी दी है, कल पता नहीं। दीदी जो हो रहा है ना वो सही है। अरे इस डर से कहीं पापा जमीन बेच दिए तो वो कैसे सही होगा? तुम शादी करके पापा की चिंता दूर करो, पापा खुश है तुम्हारे रिश्ते से। और क्या मिल जाएगा उस जमीन से? उस जमीन की वजह से क्या क्या नहीं हुआ? क्या मतलब? कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। पापा ठीक कहते हैं, लड़कियों को वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए, वही ठीक होता है उनके लिए। ओए छोटो, एक मुझे भी ठंडा देना। और रंगीला बाबू बताओ क्या आइटम हम शूट किया दिया? बाबू तो शूट किया नहीं है, करने वाला हूँ। वो तो बेकार में मुझे यहाँ तक दौड़ा दिया। आपको पता है ना अभी रेड पड़ी थी, जबरदस्ती मुझे यहाँ तक बुला लिया, चल रहा हूँ। अरे सुन ना, अरे मत वीडियो बनाते हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो असली है नहीं है। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, मुझे ये वीडियो एक बंदे ने फॉरवर्ड किया था। किस बंदे ने? साहब हमारे धंधे में ना साहब नाम पता नहीं कुछ था। हाँ साहब मुझे पता है कि वो बिहार के किसी गांव का है साहब, मेरे पास उसका नंबर भी है, लेकिन साहब नंबर चल नहीं रहा साहब, और वो बार बार नंबर बदलता भी रहता है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? हमारी बात नहीं होती साहब, वो हमें वीडियो फॉरवर्ड कर देता है, मैं उसे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ साहब। हाँ अभी कुछ दिन पहले ना मुझे वीडियो ट्रांसफर किया था सर, दिखाता हूँ मैं सर, ये वाला है। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पता साहब। इस बंदे से मिला कहाँ था तू? साहब मैं इससे मिला नहीं साहब, साहब मैंने मार्केट में खबर फैलाई थी कि मुझे नया माल चाहिए, तो इस बंदे का सामने से मेरे पास मैसेज आया था, मैसेज में साहब एक वीडियो भी था, जब वीडियो देखा तो मैंने साहब डील की थी। मार्केट में? कौन सी मार्केट? साहब हमारे धंधे का अपना एक मार्केट है साहब, वैसे भी साहब जब डिमांड बढ़ेगी तो डिलीवरी तो मुझे करनी पड़ेगी ना साहब, आप ही समझो कि ऐसे गरीब कैसे पेट पलेगा साहब। साहब हम अकेले इस धंधे में नहीं साहब, पूरे देश में इसका रैकेट चल रहा है साहब। साहब और आप किस किस को पकड़ोगे, किधर किधर पकड़ोगे साहब? साहब कई कई जगह ना तो पूरा धंधा चल रहा है साहब, लड़कियों को बहला फुसला के लाया जाता है, और साहब कई कई बार ना ऐसे मौके से ऐसे वीडियो हाथ में लग जाते हैं, अगर ये असली है तो। सिवान और भागलपुर, जहां एमगेट कंपनी का ट्रैक्टर बेचा गया और जहां ये दुकान है, अब ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का दायरा तय करेगी। हसन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पता करो कितने गांव हैं और किस गांव में वो दुकान है। अगर वो लड़की जिंदा भी है तो भी अपने साथ हुए रेप के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवा पा रही, सोचो कितने सदमे और डर में जी रही होगी वो। सर साइबर सेल इस केस को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगी, आखिर ये उसके दायरे में आता। देवेश वो कर पाएंगे, लेकिन साइबर क्राइम्स में हर साल 63% केसेस की बढ़ोतरी होती है, उसमें एक ऐसा वीडियो जिसमें कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है उसे वो प्रायोरिटी में रख के सॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी आई कांट लीव दिस केस नाउ। हसन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के सभी पुलिस स्टेशन में बात करो, इस प्रीतिका डिजाइनर नाम की दुकान का पता लगाना है। तांबरी गांव सिवान बिहार में? हाँ सर, वहाँ के कांस्टेबल ने बताया है कि ऐसी दुकान है वहाँ पर, मैंने फोटो फॉरवर्ड किया था उसे, कांस्टेबल ने कंफर्म किया है कि ये झूला पीतांबरी गांव की दुकान का है। पीतांबरी गांव के SHO से कांटेक्ट करो, उसे इस केस की डिटेल भेजो, मैं SP साहब से बिहार जाने की परमिशन लेता हूँ। चलो चलो छोड़ो जाओ।
बैठो जाओ, बैठो, चलो चलो। भूषण कोई मोबाइल वोबाइल नहीं रखता था क्या? मोबाइल तो रखता था साहब, अक्सर वो मोबाइल ही लेके घुमा करता था। नंबर है? नंबर कहीं लिखा होगा, हम खोज कर आपको दे देंगे साहब। ये भूषण का किसी के साथ कोनो दुश्मनी था? कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? हाँ आ रहे हैं घंटे में। अरे बोला ना आ रहे हैं घंटे में। आ गया शायद, चलो बात। क्या सिद्धार्थ जी, हद हो गई, आप यूपी से उठकर सीधा बिहार चले आए? वीडियो हमारे यहाँ मिला था ना रावत साहब, एक वीडियो यूपी में शूट हुआ था और दूसरा शायद यहाँ। उस वीडियो में जो ट्रैक्टर देखा था उसे ढूंढते हुए आए। शायद आप जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो इस पास वाले खेत का है। आइए, लाश हमें 10 दिन पहले यहाँ मिली थी। विक्टिम का नाम भूषण था और यहाँ वो सामने हमें 10,000 रुपये बड़े मिले थे। वो वीडियो यहीं कहीं शूट हुआ है। ये आवाज कहां से आ रही? इधर पासे में एक माता जी का मंदिर है, शाम सवेरे आरती होती है तो वहां से आ रही आवाज। सर, वीडियो में जो ट्रैक्टर था वो यहीं पर है सर, ट्रैक्टर का मालिक शंभू भी है। जी साहब, ये खेत भी हमारा है और ये ट्रैक्टर भी, लेकिन यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, और हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ। अगर साहब ऐसा होता तो हम खुद पुलिस को बताते। जी, भूषण खेत मजदूरी करता था, ऐसे इसकी किसी के साथ कोनो दुश्मनी हो ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया अभी तक। ज्यादा करके आवारागर्दी करता था, पर इसके मर्डर का किसी रेप केस के साथ कोनो कनेक्शन हो ऐसा भी कुछ पता नहीं चला। रावत साहब, एक वीडियो और है हमारे पास, जरा ये देख के बताइए, ये लड़की इसी गाँव की है? अरे ये तो रश्मि है, इसी गाँव की है। इस रश्मि की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी पहुंच हो? गांव का सरपंच है ना जो, उसका बेटा है मोंटी चौधरी, उसका झगड़ा हुआ था रश्मि के साथ कुछ महीने पहले। अपने हाथ में रहो। मुझे रश्मि और मोंटी चौधरी के बारे में हर मुमकिन जानकारी चाहिए। पुलिस ने रश्मि, रश्मि के परिवार और मोंटी चौधरी पर नजर रखना शुरू किया। उनके बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा की और पूरी तफ्तीश के बाद पुलिस ने रश्मि से बात करने का फैसला किया, जहां उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही उलट कर रख दिया। देखो रश्मि, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का बिल्कुल नहीं था, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी शादी शंभू से तय हुई है, क्या उसी खेत में तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी? क्या कह रहे हैं आप? रश्मि, हमारे पास एक वीडियो और है। ये भी तुम ही हो ना, और ये लड़का मोंटी चौधरी? सर, ये मोंटी नहीं है, गलती हमारी नहीं, उस कमीने की है। अरे जिसकी गलती है सो है, जब लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो गलत होने का डर तो लगा रहेगा ना। तो क्या घरों में घुसकर किसी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ है आज तक? पापा, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम चुप रहे, और जब तक हम चुप रहेंगे ना हमारे साथ गलत होता ही रहेगा, लेकिन अब और नहीं। ये शर्म और डर की जिंदगी हमें अब नहीं जीनी है, हमें इज्जत से जीना है। डर की चुप्पी के बीच अब साहस का कोलाहल साफ सुनाई दे रहा था। बहरे समाज के कानों में अब सच्चाई का शोर गूंजने वाला था। सर, हमें शिकायत दर्ज करवानी। वो रेप वीडियो हमारा रेप हुआ था। हुसैन ने हमारे डर का गलत फायदा उठाया, हमें और डराया धमकाया। फिकर मत करो, ये तो हमारे निजी मनोरंजन के लिए है, ये हम किसी को नहीं दिखाएंगे, कसम से। लेकिन तुमको हमें फ्रेंड बनाना पड़ेगा,
बॉयफ्रेंड समझती हो ना? बॉयफ्रेंड, वरना ये वीडियो फैला देंगे पूरे गांव में। तुम्हारा बाप शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेगा, बहन की शादी टूट जाएगी। अब सोच लो, सब तुम्हारे हाथ है। तो क्या तुमने भूषण को? नहीं सर, पूजा ने कुछ नहीं किया। वो कहा है ना थोड़ा पैसे की जरूरत, तो फोन घुमा दिया। तो तुमने ये सब किसी को बताया क्यों नहीं? तुम अपनी दीदी से बात कर सकती थी। शर्म थी, डर था, हम इतने सदमे में थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर हमने देखा हम चुप है तो सब ठीक है। दीदी की शादी की तैयारी हो रही थी, पापा खुश थे, हम कुछ बोलते तो सब खत्म हो जाता। हिम्मत जुटा के कुछ कहते भी तो उससे पहले दीदी के ऊपर हमला हुआ, हम और डर गए। अब इतनी हिम्मत की है तो उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। चौधरी था वो। चल किधर? अबे चल, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? चल मोंटी। अरे बाबूजी, हम तो कुछ भी नहीं किया ना साहब। फिक्र मत कर, मुझे भी लेने आए, तेरे साथी विजय को भी उठाने के लिए भेजा। चल पापा पा, पा। अरे मारिए मत, सरपंच के बड़े बेटे हैं। हमने किया था रश्मि पे हमला। अपने बाप को कल की तरह मना, और तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। भूषण को क्यों मारा? उस समय हमारा वीडियो बना लिया था और हमें बाबा ब्लैकमेल कर रहा था। वो कहा है ना थोड़ा पैसे की जरूरत थी, अब सोचे कि सरपंच तक क्या जाए। आखिरी बार है, इसके लिए हम उसको खेत में बुलाए थे, उसकी औकात दिखाने के लिए। अब तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? हम सरपंच के बेटे हैं, अगर बात भार गई तो बहुत बदनामी होगी, और रेप हुई लड़की के साथ में कौन शादी करेगा? तू अपनी भलाई की सोच। पूजा बहादुर लड़की है, संभाल लेगी अपने आप को। लड़कियां बदल रही हैं, तुम जैसों की बोलती बंद होगी अब। और तुझसे शादी तो क्या, तेरे मुंह पर थूकेगी भी नहीं वो। पूजा के साथ ऐसा किया क्यों? पूजा बात करनी है तुमसे, पसंद करते हैं हम तुम्हें। मैं पता तुम भी हमें पसंद करती हो, शादी करना चाहते हैं तुमसे। दोबारा ऐसी बात मत करना हमसे, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो प्लीज दोबारा परेशान मत करना हमें। दिल तोड़ा था उसने हमारा, हमें ना बोला था, हम एकदम निराश हो गए। हम सुधारेंगे अपनी गलती, आप बस इस बात को यहीं दबा दो। इसे में भलाई है पूजा की। बदनामी का काम तूने किया है, रेपिस्ट है तू, और तेरी इस करतूत की वजह से जिल्लत तुझे और तेरे परिवार को उठानी पड़ेगी, पूजा को नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए तुम्हें। अगर पूजा हिम्मत करके कंप्लेंट नहीं लिखवाती तो हम प्रतीक के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना सकते थे। हाँ, ये अफसोस रहेगा कि भूषण को सजा नहीं दिलवा पाए। सर वो वीडियो और कितने लोगों के पास? हमारी टीम हर उस आदमी को ट्रैक कर रही है जिसके पास वो वीडियो गया है। सुरेश जी, हर जगह से तो नहीं, पर जितना हो सकेगा डिलीट करवा देंगे। चलते हैं। सोचा नहीं था एक रेप वीडियो हमें इतने केसेस तक लेकर आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हसन, क्योंकि तुमने अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उसे सामने लाया। जुर्म को खत्म करने का यही एक तरीका है, बेटियों को रोकने के बजाय बेटों को टोकना हो। पर ये केस हमारे लिए यही खत्म नहीं हुआ, आगे भी शायद हमारे पास विक्टिम्स नहीं आएंगे, तो हमें मॉनिटर करते रहना होगा। साइबर सेल से टच में रहो, कोशिश करेंगे इस रैकेट को खत्म करने की। पर रैकेट को खत्म करना मुश्किल होगा। ये केस आसान था क्या? नामंजूरी, ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सुनने वालों को मंजूर नहीं होता। पूजा की नामंजूरी ने प्रतीक चौधरी के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। हमारा कर्तव्य है कि बचपन में बेटों की हर मांग पर हां कहने से पहले उन्हें ना का मतलब भी समझाना होगा। बेटियों को रोकने की जगह बेटों को टोकना होगा।
रेप केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि पीड़िता समाज में बदनामी के डर से चुप्पी साध लेती है, जैसा कि इस केस में हुआ। ऐसे अश्लील वीडियोस बनते हैं क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, और इस मार्केट को खत्म करने का जिम्मा भी हम सबको साथ मिलकर उठाना होगा। अगर आपको ऐसा कोई भी वीडियो या कोई खबर मिलती है जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से गलत है, तो आप इसकी सूचना www.cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं। शिकायतकर्ता अपनी पहचान को गुप्त रख सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा। आप सभी को सोनी टीवी और क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।